हाय दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी फुल पटियाला सलवार की कटिंग एंड स्टिचिंग कैसे करते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। ये हमने 3.5 मीटर कपड़ा लिया है और सलवार की लंबाई है 38 इंच और वेस्ट है 42 इंच। जैसे कि हम सबसे पहले जो सेंटर का पीस है वो कट करेंगे, तो कपड़े को इस तरह खोलेंगे। जैसे कि इसकी लंबाई है 38 इंच, तो हम 6 इंच के ऊपर इसमें बेल्ट ऐड करेंगे, और तो 32 इंच लेंगे और 1 इंच लेंगे हम स्टिचिंग के लिए, 33 इंच लेंगे। ये हमने 33 इंच लिया। जैसे हमने ये 33 इंच ले लिया है, अब यहाँ से हम कट करेंगे। जैसे कि हमने 33 इंच कट कर लिया है और ये डबल फोल्ड है, अभी इसको हम 4 फोल्डिंग कर देंगे, इसमें से कट कर देंगे सेंटर में से, ये दोनों पैरों के सेंटर पार्ट हो जाएंगे। जैसे कि हमने कट कर लिया है, ये दोनों पीस हमने अभी सेपरेट कर लिए हैं इस तरह से, ये दोनों पैरों के सेंटर हैं। अब इसकी हम कली कट करेंगे। जैसे कि हमने 33 इंच लिया है और इसकी मोहरी है 8 इंच। जैसे कि कपड़े की जो चौड़ाई है 8.5 इंच आ रही है। ये हमने डबल में 21 इंच लिया है बेल्ट और 9 इंच हमने चौड़ाई लिया है। ये हमारी कमर की पट्टी तैयार है। अभी जैसे कि हमने 41 इंच लिया है कपड़ा और इसको हमने डबल फोल्ड कर लिया है। ये 41 इंच लिया है और इसको डबल फोल्ड कर लिया है। जैसे कि आसन लेना है हमको इस कोने से, तो 9 इंच का हम आसन लेंगे। जैसे हमने 9 इंच का पॉइंट ले लिया है, बंद हिस्सा है तो इस तरफ से हम 9 इंच आसन लेंगे। जैसे कि 9 इंच हमने ओपन हिस्सा था उधर और ये क्लोज हिस्सा है। जैसे हमने 9 इंच लिया है तो इसको टेप को इस तरह से रखेंगे। जैसे हमने 9 इंच लिया है यहाँ पर, तो हमें इस तरह से हमने टेप रखा है ये कोने से 9 इंच लेने से और दूसरे कोने तक, इस तरह से हम क्रॉस में इसमें निशान लगाएंगे। जैसे कि हमने निशान लगा लिया है, ये एक पैर का आसन है और हमने जो दूसरे कोने पर लगाया वो दूसरे पैर का आसन है और हमने इस तरह से लाइन खींच लिया है। अब इसको कट करेंगे। जैसे कि हमने दोनों पैर की कली कट कर ली है, जैसे कि ये जुड़ा सेंटर है यहाँ पर हमने इसको कट कर लिया है। जैसे कि हमने कली कट कर लिया है, ये हमारा सेंटर का पार्ट है, तो जब हम स्टिचिंग करेंगे तो जो सेंटर का पार्ट है और जो कली का है ये स्ट्रेट लाइन, इसको हम करेंगे और नीचे हम मोहरी बनाएंगे और उसमें प्लेट डालेंगे उसको इस तरह से। अभी 1-1 इंच की इस तरह से प्लेट डाले। जैसे कि जितना भी क्लॉथ है वो सभी का प्लेट हम ये इस तरह से डालेंगे। जैसे इस तरह से प्लेट आएंगी और जो आसन है ये सेंटर का वो इस तरह से। अब जैसे कि हम दूसरा पैर करेंगे तो उसकी इसकी अपोजिट प्लेट डालेंगे। जैसे कि हम स्टिचिंग करेंगे तो एक कली को ज्वाइंट करेंगे और प्लेट हम इस तरह से डालेंगे, इस साइड की प्लेट इधर आएंगे और ये साइड की प्लेट इधर आएंगे, तो ये दोनों प्लेटें अपोजिट आनी चाहिए इस तरह से, और सेंटर में आसन ज्वाइंट करेंगे और जो हमने बेल्ट कट लिया इसको स्टिच करेंगे। आप जब स्टिचिंग करेंगे उसके बाद आपको बताते हैं। हमने कटिंग कंप्लीट कर लिया है, अभी इसकी स्टिचिंग करेंगे। जैसे कि ये सेंटर पार्ट है, इसके बाद ये कली है, तो ये कली को हम इस सेंटर पार्ट से अटैच करेंगे। जैसे कि यहाँ पर हम प्लेट डालेंगे और ये हमारा आसन है यहाँ पर, तो पहले हम एक कली को ज्वाइंट करते हैं सेंटर पार्ट के साथ में।
तक हमने एक कली जोड़ लिया है, अभी जो दूसरा साइड है सेंटर पार्ट का, तो जो दूसरी कली है उसको भी इसी तरह जोड़ेंगे। जैसे कि हमने दोनों कली ज्वाइंट कर लिया और इसी तरह हम दूसरा पैर भी ज्वाइंट करेंगे। जैसे कि हमने ये दोनों हिस्से में कली ज्वाइंट की है और हम इसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे, तो ये हमारा सेंटर पीस है, ये सेंटर पार्ट। जैसे कि हमने दोनों पैर की कलियां ज्वाइंट कर ली हैं और इसके बाद जो ये मोहरी है सेंटर पार्ट का, यहाँ पे हम 1 इंच की बुकरम लेंगे, फिर इसकी मोहरी बनाएंगे। जैसे कि हम ये आसन ज्वाइंट करेंगे, आसन ज्वाइंट करने के बाद जो प्लेट है हम इस तरह से प्लेट डालेंगे इसके अपोजिट, और जो इधर की प्लेट आएंगी उसको इस तरह से डालेंगे, इस तरह से। तो ये फ्रंट में 2 साइड की प्लेट है अपोजिट आएंगी। जैसे कि हमने 1 इंच चौड़ी बुकरम लिया है और ये 2 इंच चौड़ा क्लॉथ लिया है, इस तरह से हमने 2 इंच लिया है और बुकरम को हम इसके अंदर डालेंगे। इसके अंदर डालने के बाद इस तरह से, और जो हमारा ये मोहरी है सेंटर पार्ट का, तो उसमें इस तरह से स्टिचिंग डालेंगे। जैसे कि हम मोहरी तैयार कर रहे हैं और जैसे इस तरीके से हम दूसरे पैर की मोहरी तैयार करेंगे। जैसे कि हमने स्टिचिंग डाल दिया है, अब इसको इस तरह से बुकरम को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद स्टिचिंग डालेंगे। जैसे हमने 1 स्टिचिंग डाला है, आप इसमें 5-6 स्टिचिंग डाल सकते हैं या कोई डिजाइन भी दे सकते हैं। जैसे कि हमने मोहरी तैयार कर ली है दोनों पैरों के, अभी आसन है, जैसे ये ऊपर का हिस्सा है और जो ये आसन है, अभी इसको इस तरह से जॉइंट करेंगे और ये दोनों साइड के आसन जॉइंट। जैसे हमने दोनों साइड के आसन जॉइंट कर लिया है, अभी जैसे ये पीछे का हिस्सा है तो यहाँ पे हम एक बॉक्स डालेंगे, इस तरह से 1 इंच की प्लेट लेंगे, 1 इंच का प्लेट लिया है और इस साइड से भी इस तरह से बॉक्स बना देंगे, जैसे कि ये बैक साइड का है। जैसे कि हमने ये बैक साइड का आसन जॉइंट कर लिया और बॉक्स प्लेट भी डाल दिया है, जैसे हमारा वेस्ट साइज है 42 इंच, तो इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे डबल, और यहाँ से हमने 10.5 लिया है, यहाँ पर हम इस तरह से पॉइंट दे देंगे। जैसे पॉइंट दे दिया है, अभी इसी पॉइंट से हम प्लेट डालेंगे। जैसे ये फ्रंट का है तो हम इस तरह से इसमें पहले 1 साइड का प्लेट कंप्लीट करते हैं, तो इस तरह से प्लेट डालेंगे। जैसे कि हमने 1 साइड प्लेट डाल रही है अपने वेस्ट के हिसाब से, और सेम हम ये दूसरा जो हमारा पीस है इसको हम इस तरह से अपोजिट प्लेट डालेंगे, इस तरह से। जैसे कि हम प्लेट डालेंगे, ये सभी प्लेट फ्रंट में आएंगी, आगे की तरफ आएंगी सारी प्लेट है, इस तरह से।
जैसे कि हमने प्लेट कंप्लीट कर लिया है और प्लेट हमने पूरी प्लेट आगे की तरफ ही डाली है और बैक साइड में हमने एक बॉक्स डाला है। जैसे कि ये तैयार हो गई है प्लेट, अभी जैसे हमको मोहरी तैयार करनी है, स्टिचिंग डालनी है, जैसे फिटिंग देनी है, तो यहाँ से हम इस तरह से मोहरी को अपने साइज के हिसाब से फिटिंग देंगे। जैसे हमारा साइज के हिसाब से इसकी फिटिंग दे रहे हैं। जैसे कि हमने फिटिंग कंप्लीट कर लिया है और इस तरह से आएगा, अभी इसकी हम बेल्ट तैयार करते हैं। हमने ये बेल्ट कट कर लिया था। जैसे कि यहाँ से हम हाफ इंच स्टिचिंग करेंगे, हाफ इंच के बाद हम 1 इंच छोड़ देंगे नाड़ा डालने के लिए। डाल दिया है तो इसको हम इस तरह से भी फोल्ड करेंगे। जैसे हमने ये सीट तैयार कर लिया है और ये नीचे फ्रिल डाल के भी हमने तैयार कर लिया है, अभी सीट को इसके साथ अटैच करेंगे। अभी जैसे ये नाड़ा डालने का है, सेंटर है, यहाँ से हम इस तरह से इसको पकड़ेंगे। इस तरह से हमने फोल्ड कर लिया है डबल। अब यहाँ पे एक पॉइंट देंगे। जैसे हमने ये पॉइंट दिया है और जैसे ये बैक साइड का है, तो जो पॉइंट है और ये बैक साइड का पॉइंट है, इसको मैच करते हुए स्टिचिंग डालेंगे। जैसे हमने बेल्ट स्टिचिंग कर दिया है पूरा राउंड में, अभी जैसे यहाँ पे हम ये साइड का स्टिचिंग छोड़ के यहाँ पे स्टिचिंग डालेंगे, जिससे फिनिशिंग बराबर आएगी। तो इसको इस तरह से रखेंगे। जैसे हमने यहाँ पर स्टिचिंग डाल दिया है, ये हमारा पटियाला पैंट अभी पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। ये सीट है और इस तरह से आएगा।